साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ठीक है। दोस्तों आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं। देखिए कोई भी रेमेडी करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखा करें। जो भी रेमेडीज में आपको टिप्स बताए जाते हैं उनको फॉलो किया करें। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, कुछ सावधानियां बताई जाती हैं वो मिस कर देते हैं, तो आप लोग को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आज मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूं, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद में आप इस रेमेडी को करिए। गारंटी लेता हूं दोस्तों कि 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी चैलेंजेस हैं, रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो रेमेडी है ये वास्तु शास्त्र के अनुसार है, और वास्तु की एनर्जी यदि आप बैलेंस कर लेते हैं, आपका घर जो होता है, आपका ब्रह्मांड होता है, आपका यूनिवर्स होता है, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपकी लाइफ में अफेक्ट करती है वो करती है आपके घर की वास्तु की एनर्जी। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं, या आपके घर में जो भी मतलब की मनी का ब्लॉकेजेस है इसको खोल करके और आकस्मिक धन की प्राप्ति कराएगा। अगर ये रेमेडी आपने कर ली तो धन आपकी जिंदगी में खिंचा चला आएगा, क्योंकि आपके घर की जो वास्तु की एनर्जी है ना वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको किससे करना है? चुंबक से, ठीक है। वास्तु की एनर्जी जो होती है, अगर वास्तु की एनर्जी को आप बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। यदि आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है, अनएक्सपेक्टेड पैसा घर से जा रहा है, तो इसके लिए एक बार इसे बिना खर्चे का उपाय है, ठीक है, करके देखिएगा इसको। इसमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको 3 चुंबक की। आप चुंबक कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है, मार्केट से लेकर के आ जाएं, 3 चुंबक ले लें। और कुछ सिक्के जो होते हैं मेटल के हों, मतलब कि सिक्के आपको ऐसे लेने हैं जो चुंबक में आपको चिपक जाएं, ठीक है। दसों दिशाओं से आप चाहते हैं कि मतलब कि घर में जो दिशाएं होती हैं उनमें से चारों तरफ से मनी की एनर्जी बैलेंस हो जाए। देखिए एक तो हो गई आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं ये हो गई, और 4 जो कॉर्नर बनते हैं ईशान आग्नेय वायव्य और नैऋत्य, ये हो गई आपकी 4 दिशाएं, ये हो गई 8, और ऊपर नीचे 10, ठीक है। तो 10 दिशाओं की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। इसके लिए आपको दोस्तों 4 सिक्के लेने हैं, ठीक है, सॉरी दोस्तों 3 सिक्के लेने हैं और 3 चुंबक के आपको टुकड़े लेने हैं। इस प्रयोग को दोस्तों आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं, दीपावली किसी पावन पर्व में, रोहिणी नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में। यदि किसी पावन पर्व में करते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसके अलावा अर्जेंट नीड है, गुरुवार, त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन में इस रेमेडी को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप चुंबक लेकर के आए और 3 सिक्के ले लें। सिक्के बस ये ले हैं आप, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, बस चुंबक में चिपकना चाहिए, ऐसे सिक्के आपको ले लेने हैं। सबसे पहले सिक्कों को पवित्र करना है हल्दी वाले पानी से, गौमूत्र से, गंगा जल से, इनमें से कुछ भी चीज अवेलेबल है उससे आप स्वच्छ कर लें, और या फिर पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से साफ कर लें सिक्कों को। हल्दी वाले पानी से जरूर साफ करें, ठीक है, गौमूत्र लेंगे और भी बेस्ट है, या गंगा जल है तो उससे भी साफ कर सकते हैं। थोड़ा सा इन सिक्कों को साफ कर लें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं। शर्त हमेशा वही रहती है कि स्टोन वगैरह ना पहना हो, नॉनवेज नहीं लेंगे, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी, ठीक है। घर की पूजा स्थान में उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, सामने एक पटरा लगा लें और किसी पात्र में, पीतल के या तांबे के या मिट्टी के पात्र में इन 3 सिक्कों को आपको रख देना है, ठीक है। सिक्कों को रखने के बाद में आप इसमें हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध का तिलक लगा दें, गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, घी का दिया जला करके रखें, ठीक है। और वहां बैठ करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से शुक्री मुद्रा लगाएंगे, दोनों हाथों को घुटने में रखना है, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को आपको अंदर खींचना है, और जहां सांस की लिमिट आपकी खत्म होती है वहां पर कुछ सेकंड के लिए आपको सांस को रोक देना है। 11 बार ये प्राणायाम करेंगे, इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होगी, जिससे कि आप जब रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई जानकारी यहां से प्रसारित करूं वो आपके काम की हो तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो।
और देखिए दोस्तों, YouTube की सारी रेमेडीज होती हैं, जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं। यदि आप काफी उपाय कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस हो, या बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट जो अनबैलेंस है जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है, या किसी प्रकार की कोई बंदिश है, तंत्र मंत्र क्रिया करा है, टोना टोटका ऐसी कोई कंडीशन है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बंदिश रिमूव करा के घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा घर में यदि दाम्पत्य जीवन में परेशानी है और ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, कैरियर में स्टडी में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन है, कोई समस्या है, तो उसके लिए आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, तो आपके फेस रीडिंग द्वारा, आपके नाम, माता पिता के नाम के द्वारा आपकी जो भी समस्या है 100% उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके, छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है 100% उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अपने पूजा स्थान बैठ जाएंगे, उसमें हल्दी कुमकुम अष्टगंध का जो 3 सिक्के लिए हमें तिलक करेंगे। अब जिस भी पात्र में आपने वो सिक्के रखे हुए हैं, सीधे हाथ में आपको ले लेना है, और माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, इसको आपको हो सके तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना आपके पास में समय है, आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम 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 क्लीम 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 स्वाहा। ओम श्रीम 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 क्लीम 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 स्वाहा। इस मंत्र का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास में समय है, एक दिन का प्रयोग है, आधा घंटा भी जाप कर सकते हैं। ज्यादा मंत्र का जाप करेंगे ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सिक्कों को अब दोस्तों ये प्रयोग आप करेंगे तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की तस्वीर सबसे पहले स्थापित करनी है, लाल या पीले कपड़े में, ठीक है। उसके सामने इस प्रयोग को आपको करना है, माता रानी के सामने इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। आपको उसके बाद में जब माता रानी को थोड़ा सा हल्दी कुमकुम जो पेस्ट आपने बनाया हुआ था, ये माता रानी को, विष्णु भगवान को तिलक करें, गुलाब का इत्र लगा दें, गुलाब की अगरबत्ती घुमा दें। उसके बाद में जब अभिमंत्रित हो जाता है तो सभी सिक्कों में गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती घुमा के घी के दिए से आरती उतार दें, ठीक है। अब जो चुंबक आपने लिया हुआ था, आपको अपने धन स्थान में चार, कोई अगर धन स्थान नहीं है आपका, अगर तिजोरी है या धन स्थान है, तो उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो 4 कॉर्नर में से किसी भी 3 कॉर्नर में आपको क्या करना है, चुंबक जो होगा एक एक सिक्का चिपका के चारों कोन, 3 कोनों को आपको पैक कर देना है। मतलब 3 कोनों में आपको क्या करना है, जो चुंबक में एक सिक्का लगा करके इनको पैक कर देना है, 1 कॉर्नर में, 2 कॉर्नर में, 3 कॉर्नर में। तो ये क्या करेगा, और हो सके दोस्तों तो आप ईशान जो होगी, मतलब कि अपने घर की दक्षिण दिशा में जो पैसे का स्थान है, अगर पैसे का स्थान नहीं है तो कोई बॉक्स बना लें, ठीक है, और उसमें आप क्या करें, पैसे रख दें, लाल कपड़ा बिछा करके पैसे रख दें, और दक्षिण दिशा में जो ईशान कोण होगी उसको छोड़ करके वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय कोण में आप इस 3 सिक्कों को रख दें, ठीक है, और ईशान कोण को छोड़ दें, क्योंकि ईशान कोण जो होती है पॉजिटिविटी होती है, यहां से धन का आकर्षण होगा। आप ये प्रयोग दोस्तों करके देखिए, दूसरे तीसरे दिन से ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी मनी के ब्लॉकेजेस होंगे घर में, जो भी वास्तु की एनर्जी अनबैलेंस थी, वो तुरंत ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत ही प्राचीन उपाय है, ठीक है, ये उपाय दोस्तों आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना और गुप्त उपाय है। ये पहले के लोग ये रेमेडीज किया करते थे, उनकी जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं होती थी। तो ये ऐसे प्राचीन गुप्त उपाय दोस्तों आपके लिए मैंने शेयर किया है। अगर पूरी विधि के साथ में जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आपने कर लिया, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में मनी का फ्लो अचानक ही आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। कर्म करने पड़ेंगे, ये प्रयोग उनके लिए है जो कर्म प्रधान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी नौकरी वगैरह है, नौकरी पेशा है, तो वहां पर आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी, व्यापार है, बिजनेस है, उसमें ग्रोथ मिलेगी। यदि बेरोजगार है तो रोजगार मिलेगा, है ना। तो कर्म आपको करने पड़ेंगे, लेकिन यह है कि आपका भाग्य, आपका लक आपका यहाँ पर साथ देने लगेगा। प्रयोग आपको मैंने बता दिया, सावधानी आपको बता दी है, पूर्णिमा, त्रयोदशी, शुक्रवार या किसी शुभ नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, इनमें और भी बेस्ट रिजल्ट आता है। दीपावली के दिन करते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। पूरी विधि के साथ मैं इसको जो रेमेडी बताई करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। सबसे पहले दोस्तों एक चीज बता दो कि विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए, बिना खर्चे का उपाय है। बस 3 चुंबक आपको लेने हैं और बस अपने दक्षिण दिशा दोस्तों इसलिए क्योंकि देखिए उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की माता लक्ष्मी की होती है, तो
तो आपको तिजोरी या पैसा जैसा रख रहे हैं आप, तो आपको इस तरीके से रखना है कि उसका जो दरवाजा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए, मतलब कि कुबेर माता लक्ष्मी की जो नजर होगी इसमें पड़नी चाहिए, ठीक है। और हो सके तो अपना एक गुलाब के इत्र की एक छोटी सी बोतल ले लें, चंदन के इत्र की छोटी सी बोतल ले लें और उस बॉक्स में खुला छोड़ दें। इसकी जो महक होती है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है, जिससे धन का आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हो सके तो गुलाब के फूल चढ़ा दिया करें डेली इसमें, और पैसे वहां पर जरूर रखें, धन को एक स्थान दें घर में। धन का यदि स्थान नहीं दे रहे हैं तो धन का आकर्षण भी नहीं होगा। और चुंबक का जो मैंने उपाय बताया है इसको आप करके देखिए, और जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। ऐसी कोई बात है जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, अच्छे से जानकारी को समझ लें, उसके बाद में सारा वीडियो को आप करिए, 100% आपको रिजल्ट आएगा। जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां सब लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, मेरी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को आप करेंगे, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बिना कुछ किए मुझे मिलेगा। वैसे आप लोग जितने लोगों को जानकारी को शेयर करेंगे और जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे, तो बिना कुछ किए आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कुदरत का नियम है, अगर आप कोई चीज अच्छी चीज आगे शेयर करते हैं तो वही चीज आपको 100 गुना रिटर्न में मिलती है ना। तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है 100% उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में साफ साफ देख पाएंगे, ठीक है। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, और आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।